और आप मेरे पीछे ये दरगाह देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि फ्रंट गेट का भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे सामने, ये देखिए यहाँ पर भी पूरा घर बना हुआ है। देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना यहाँ पर घर बनाया हुआ है। और ये देखिए पूरा लाइन से ही यहाँ पर आपको घर देखने को मिलेगा। और ये रही वो दरगाह हज़रत गेबन पीर शाह बाबा की, ये रही दरगाह। और ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं ये पूरी दरगाह के चारों तरफ आपको ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं एक ऐसी दरगाह पर मौजूद हूँ कि मैंने भी जब इस दरगाह के बारे में सुना तो मैं भी बहुत ही शौक हो गया था। और इस दरगाह की बहुत ही अलग एक करामात है, मैं आपको बताता हूँ। इस दरगाह की एक ऐसी करामात ये है कि यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप मेरी आंखों के सामने। ये देख सकते हैं ये लोग अपने मतलब घर बनाते हैं ईंट से, और इससे क्या होता है, ये लोग अपनी मन्नतें मुरादों को पूरी करने के लिए यहाँ पर अपना घर बनाते हैं। और ये अपना अकीदा जो है, वो उनका जो अकीदा है कि हम यहाँ पर घर बनाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे पास 2 मंजिले का 3 मंजिले का ऐसा घर होगा। मैंने लोगों से सुना है और यहाँ के लोग बताते भी हैं। और यहाँ पर एक दो घर नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे घर ऐसे ही लोगों ने बनाए हुए हैं। और ये बहुत ही फेमस यहाँ की दरगाह है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ पर भी घर बने हुए हैं। और ये रही वो दरगाह। और मैं बात करूं अगर इस दरगाह की, तो हज़रत गेबन शाह पीर बाबा है। और ये आप जब भड़ियाद में, जगह का नाम है भावनगर हाईवे से दरगाह आपको ये देखने को मिल जाएगी। अहमदाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये दरगाह आपको देखने को मिलेगी। तो अब कुछ एक्सप्लोर करते हैं इस दरगाह का। और अभी मैं आपको दिखा दूं, वो देखिए ये पूरे इस कवर में, देखिए वहाँ तक ये घर आपको देखने को मिलेगा। देखिए वहाँ पर ये घर आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं और पास से आपको दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही सुकून वाली जगह है, देख सकते हैं एकदम सन्नाटा वगैरह भी है, क्योंकि अभी हम मॉर्निंग में ही आ चुके थे। ये रही ये दरगाह हज़रत गेबन पीर शाह बाबा की। और ये बहुत ही करामाती दरगाह है, जैसा मैंने आपको बताया। दूर दूर तक आप जहाँ भी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, वहाँ पर भी बिल्डिंग वगैरह लोगों ने अपने लिए बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी लोगों की यहाँ पर अपना अकीदा है कि हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं और आने वाले वक्त में उनके पास इंशाल्लाह 2 मंजिले का अगर उन्होंने बनाए हैं तो वो 2 मंजिले का वो बिल्डिंग हो ही जाती है। और मैंने ये सुना भी है और लोग बताते हैं ये हकीकत में भी होता है, क्योंकि अल्लाह के वली लोग हैं, ये बहुत ही पहुँचे वली लोग होते हैं, इनकी करामात बहुत ही करामात हैं। और मैंने अपनी आँखों से देखी है। तो मैं 120 किलोमीटर सुबह में ही मैं निकल गया था दरगाह को एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। देख सकते हैं आप दूर दूर तक जितने भी एरिया में दिख रहा है, सब ने अपना मकान बनाया हुआ देख सकते हैं आप। किसी ने 1 मंजिले का बनाया है, किसी ने 2 मंजिले का बनाया है, किसी ने 3 मंजिले का बनाया है। दूर दूर तक आप कहीं भी देखेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर लोगों ने मकान आकर बनाए हुए हैं। बहुत से लोगों की दिक्कतें होती, वो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं पर किसी भी वजह से वो घर नहीं बन पाता है। और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लोग अपना घर बनाते हैं। और यहाँ पर पूरे जितना भी आप देख रहे हैं, ये लोगों ने पूरा अपना घर बनाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, सब किसी के 1 मंजिले, किसी के 2 मंजिले पूरे घर बने हुए हैं। और दूर दूर तक ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, ये पूरा पूरा एरिया देख सकते हैं, पूरा यहाँ से लेके ये पीछे का, ये दरगाह के पीछे का रास्ता, ये दरगाह के पीछे का रास्ता है, यहाँ तक देखिए पूरा घर बना हुआ है। और आगे भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर वज़ू करने का है वहाँ पर भी ऐसा ही पूरा घर बना हुआ है। आपको ये दरगाह नहीं पता होगी, और अगर आप आना चाहते हैं इस दरगाह को, तो मैंने एड्रेस बता दिया आपको, भावनगर का ये हाईवे से आपको ये दरगाह देखने को मिलेगी। हज़रत गेबन पीर शाह बाबा की ये दरगाह है और अहमदाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी है ये। और अभी मैं आगे का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ, किस तरीके से यहाँ पर आगे का नज़ारा है। देख सकते हैं दूर दूर तक पूरी खेती वगैरह है, यहाँ पर कोई ज़्यादा आबादी नहीं है। और यहाँ का उर्स कब होगा मैं ये पता करके भी किसी खादिम हजरत से बताता हूँ।
और आप ये सामने देख सकते हैं, ये रही दरगाह का जो फ्रंट का गेट है, ये रहा दरगाह का। और अभी इस वक्त देखिए यहाँ पर कोई नहीं था, तो हमने फातिहा वगैरह पढ़ के और दरगाह को बंद कर दिया है। अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैंने आपको दिखाया कि ये एरिया बहुत ही आउट एरिया पर ये दरगाह है। अभी आपको आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं। और आप मेरे पीछे ये दरगाह देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि फ्रंट गेट का भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने, ये देखिए यहां पर भी पूरा घर बना हुआ है। देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना यहां पर घर बनाया हुआ है। और ये देखिए पूरा लाइन से ही यहां पर आपको घर देखने को मिलेगा। और ये रही वो दरगाह हज़रत गेबन पीर शाह बाबा की, ये रही दरगाह। और ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। ये देखिए किसी चाहने वाले ने किस तरीके से अपना घर को बनाया हुआ है, पूरे कील वगैरह से, लकड़ी से ये पूरा अपना उन्होंने घर तैयार किया है। और उन्होंने अपना जो मन्नत है वो उन्होंने दो मंजिले की ये बिल्डिंग बनाई। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए पूरे लकड़ी की ये बिल्डिंग है, देख सकते हैं ये पूरे लकड़ी की है। तो देख सकते हैं ये पूरी दरगाह के चारों तरफ आपको ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, ये देखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी मिली होगी इस दरगाह के एड्रेस के बारे में। और फिर चलते हैं किसी दूसरी जगह, और भी यहाँ पर गुजरात में बहुत सी दरगाह एक्सप्लोर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।